बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खुश होंगे, आबाद होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। तो ये शाम का वक्त है और मगरिब की अज़ान होने वाली है, तो सोचा जब तक कि अज़ान होती है तब तक डिनर की तैयारी कर ली जाए। तो आज हम डिनर में बनाने वाले हैं सिंपल सी सब्ज़ी, आलू और लौकी की। तो आप सब डिनर में क्या बना रहे हैं? और लॉकडाउन की वजह से सभी ने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी बना बना कर खाई होगी, क्योंकि इंसान घर में बैठा हुआ करे क्या। और सबसे ज़्यादा तो बच्चे बेचारे बोर हो रहे हैं, उनका स्कूल ही बंद हो गया है, ट्यूशन भी, लेकिन बेचारे होमवर्क करने में मुब्तिला हैं। पढ़ रहे हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई करके भी बंदा बोर हो जाता है। तो खैर, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए हैं, उनका स्कूल का टाइम जाता रहा। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दिया, उसमें ऑयल डाल दिया, बस ऐसी सिंपल सी बनाने वाली। ये चाकू में दो, तो इसमें जीरा और प्याज डाल दिया है, और इसके अंदर हींग जाएगी। हींग जो होता है हमारे खाने में पड़ना ही चाहिए, क्योंकि हींग खाने से पेट का हाजमा जो है दुरुस्त रहता है। तो अमूमन हम अपने खाने की मतलब जो सब्ज़ी बनाते हैं उनमें हींग का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। बस सिंपल सी बनाएंगे, कुछ सूखे पाउडर मसाले और तो प्याज हमारी हो गई है, और प्याज जले ना जिसमें थोड़ा सा हमने पानी भी ऐड कर दिया है। और आज हम बहुत ज़्यादा ही खुश हैं, क्योंकि मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो बस ये आपकी मोहब्बत की और आपके सपोर्ट की और आपकी दुआओं की बदौलत ही ऐसा हो पाया है कि आज मेरे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो ये वीडियो जो है आपको इंशाल्लाह ताला कल मिलेगा, और आज ही हमारे 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। तो बात करने के दौरान हमने सब्ज़ी में 2 टमाटर चॉप करके डाल दिए हैं, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, और थोड़ा सा डाला है हमने इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च, और हल्का सा 1 पिंच गरम मसाला। और अब इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले जाएंगे। तो ये सब आपके सपोर्ट और आपकी दुआओं की वजह से हुआ है ऐसा मुमकिन कि मेरे सब्सक्राइबर 500 हो गए हैं। बस आगे भी अपनी मोहब्बत और अपनी दुआएं ऐसे ही बना के रखिएगा, और ये दुआएं ही होती हैं जो इंसान को कामयाबी की मंजिल पर ले जाती हैं। तो बस हमेशा मेरे चैनल पर विज़िट करते रहिएगा, आप सबकी दुआएं और आप सबकी मोहब्बत बहुत ही मेरे लिए लाजमी है। तो देखिए ज़बरदस्त सा मसाला तैयार हो गया है, और इसके अंदर अब हम हसबे जायका नमक डाल देंगे। मिर्च और नमक ही एक ऐसी चीज़ होती है जो बंदा जैसे भी उसकी फैमिली में खाया जाता हो उसी के अकॉर्डिंग डालना चाहिए। और ब्लॉग क्या बने, लॉकडाउन में इंसान घर ही में रह रहा, बस पका रहा और खा रहा, इसीलिए आप सब मेरी वीडियो देख के बोर मत होइएगा, इसलिए कि बस खिलाना और पकाना हो रहा है और कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हो रहे हैं। लेकिन हाँ, बस इतना काम हुआ है कि जो मैंने थोड़ी बहुत ऑनलाइन कपड़े जो परचेज किए थे वो सारे सूट सी गए हैं। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी हम आपके साथ
जो सूट सिल के रखे हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप देखना चाहोगे तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ज़रूर। और आप सब डिनर में क्या बना रहे हैं? हमने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरे 500 सब्सक्राइबर इतनी जल्दी हो जाएंगे। और हमने अपना फर्स्ट वीडियो जो है म्यू हॉस्पिटल से डाला था, और जिस दिन मेरे 1000 हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम उसी जगह पे जा करके वीडियो अपना बनाएंगे। तो अजान होने लगी थी, तो जब तक ये सब्ज़ी बनेगी तब तक जो है हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। जब तक नमाज़ पढ़ेंगे तब तक ये सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो जाएगी। तो इसमें हमने 2 से 3 हरी मिर्चें तोड़कर डाल दिया है। तो चलिए जब तक सब्ज़ी कुक होती है हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन गई, सब खाना खा चुके हैं। रात के बज रहे हैं 9:30। तो हमारे यहाँ बहुत जल्दी डिनर हो जाता है, ईशा की नमाज़ के बाद खाना खा लिया जाता है। तो पापा जी हमारे टहलने गए, और ये देखिए बच्चे लेटे हुए हैं, और मम्मी पापा, मम्मी उधर दूसरे कमरे में लेटी हैं। तो सोचा कि कुछ आगे वीडियो शूट नहीं हो पाया, क्योंकि खाना बनाने के बाद, नमाज़ पढ़ने के बाद से कुछ बात होने लगी आपस में बैठ करके, तो फिर मौका ही नहीं मिला। तो सोचा कि बस आप वेट कर रहे होंगे, और अब अगला जो वीडियो मिलेगा वो नेक्स्ट डे का होगा इंशाल्लाह ताला। तो चलिए बस थोड़ी सी क्लिप बना पाए मगरिब के टाइम से और ये ईशा के टाइम तक। तो अब इसके आगे का जो वीडियो होगा वो नेक्स्ट डे का होगा। तो चलिए फिर अगले दिन मिलते हैं। तो गुड मॉर्निंग, ये सुबह का वक्त है और नेक्स्ट डे का वीडियो है, और अल्हम्दुलिल्लाह चाय हो गई है और अब हम नाश्ते की तैयारी करने लगे हैं। तो कल हमने चौलाई का साग लिया था, तो बहुत दिनों से मन हो रहा था साग खाने का। तो ये देखिए लहसुन मिर्चा और प्याज हमने काट लिया है, फाइनली चॉप कर लिया है, और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा दिया है। तो जैसे ही हमारा तेल हो जाएगा वैसे ही इसके अंदर हम ये सारा सामान डाल देंगे, और जब ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसके अंदर हम चौलाई और आलू भी शामिल कर देंगे। तो बस ये सिंपल सी सब्ज़ी है, कोई इसकी रेसिपी नहीं शेयर कर रहे हैं, लेकिन सबका अपना अपना बनाने का अंदाज़ होता है। तो सोचा बस बता दूं कि हमने क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की। और आप सब बताइए लॉकडाउन में आप सब किस तरीके से ख़ुद को मसरूफ़ रख रहे हैं। तो इस लॉकडाउन में ये हुआ कि जो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हम सब भूल गए थे, पुरानी यादें, पुराने खेल, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमें अपने बचपन की तरफ ले जाती हैं। लोगों की सारी ज़िंदगी, सारे रिश्ते, सारी मोहब्बतें इन मोबाइल में सिमट कर आ गई थी। तो लॉकडाउन में ये हुआ कि आसमान पे देखिए इतनी पतंगे उड़ रही हैं, लोग लूडो खेल रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं, एक दूसरे को चुटकुले सुना रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है, सारी फैमिली एक साथ बैठी हुई है, तो बहुत इन्जॉयमेंट हो रहा है। और जैसे लगता है कि हाँ
कि सारी फैमिली एक दूसरे से बिल्कुल से जुड़ गई है। तो देखिए जैसे ही हमारा प्याज लहसुन मिर्चा हल्का सा रेडिश हुआ तो हमने उसके अंदर चौलाई और आलू डाल दिया है। तो कुछ लोग तो बगैर आलू के भी ये चौलाई बनाते हैं और वैसे भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चे जो हैं मेरे और सभी के बच्चे आलू ही खाना पसंद करते हैं। तो सब्ज़ी हमने रख दी है धीमी आंच पर, जब तक वो पकती है तो हम नाश्ते की रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो बस ऐसे ही सारे काम हो रहे हैं। और एक मज़े की बात बताते चलें, बहुत दिनों से कहीं आना जाना तो हुआ नहीं, ना किसी के घर गए, तो सोचा ख़ुद को तैयार करके और ख़ुद को ट्रीट दिया जाए। तो हम लोग खूब तैयार हुए घर के अंदर और फिर चाय बनाई, दाल मोठ बिस्किट जो हो सकता था ख़ुद के लिए नाश्ता बनाया और खुद ही मेज़बान और ख़ुद ही मेहमान। हंसी भी आ रही थी लेकिन थोड़ा सा इन्जॉयमेंट हो गया, तो लगा कि हाँ थोड़ी सी इज्जत हो गई खुद से, कहीं गया नहीं लेकिन घर में ही खुद को मेहमान बना करके और ख़ुद ही मेहमान नवाजी कर ली, तो बहुत अच्छा लगा। तो देखिए रोटियां भी हमारी तकरीबन बन चुकी है और इस वक्त तो चक्कियां खुली हुई हैं, गेहूं हमने धुल करके रखा हुआ है, लेकिन बच्चों को भी मौका नहीं मिल रहा है घर में, लेकिन बस जब उनको नहीं सुननी होती है तो वो नहीं सुनते हैं और कई चक्कर कह चुके हैं कि बेटा गेहूं पिसा लो। और इधर तो मतलब मोदी जी ने कंट्रोल में राशन वगैरह भी अभी फ्री वाला तो नहीं आया है, सुन रहे हैं कि वो जितने ज़रूरतमंद हैं उनको कुछ दिनों में वो फ्री राशन देंगे कंट्रोल में, और जिन लोगों का जनधन का अकाउंट था उनको भी वो पैसे दे रहे हैं, और पेंशन भी जो विडो पेंशन है और विकलांग पेंशन है वो सब का भी वो उन्होंने ये स्कीम निकाली हुई है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, अभी फ़िलहाल तो ना कोई फ्री वाला राशन मिला है ना फ्री वाली गैस, तो अगर ऐसा होगा तो हम आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। मेरी अम्मी को गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला वाला है वो जो है हम लोगों ने बुक कर दिया है, अब आएगा सिलेंडर देखिए वो फ्री डिलीवरी होती है कि नहीं होती है वो तो बाद में पता चलेगा। तो बस जब नाश्ता वास्ता बन जाता है नहाने धोने के बाद, घर के सारे जितने अखराजात हैं वो सारे निभाने के बाद हम सब थोड़ी देर के लिए हम तो ऑनलाइन लूडो खेल लेते हैं जब ज़्यादा बोर होने लगते हैं। और पहले तो हमें मैगज़ीन पढ़ने का बहुत शौक़ था, उर्दू की जो डाइजेस्ट आते हैं वो, तो लेकिन जब से आंखें थोड़ी सी कमज़ोर हुई डॉक्टर ने बहुत शदीद तरीके से मना कर दिया कि आपने बिल्कुल भी नज़रें गड़ा के किताबें नहीं पढ़नी है, तो बस तब से हमने पढ़ना छोड़ दिया और अपनी आँखों को बिल्कुल रेस्ट दे दिया। हाँ अब हम सोच रहे हैं कि लूडो खेलने के साथ साथ अपना जो पुराना शौक़ है पोएट्री लिखने का, नज़्म लिखने का, वो शुरू किया जाए, और अगर हमने कोई चीज़ लिखी तो इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें जो होता है इंसान जब मूड बिल्कुल फ्रेश हो और इंसान खुश हो तभी लिखी जा सकती है। तो इस वक्त तो सब साथ में है, अच्छा लग रहा है और माइंड भी फ्रेश है, वक्त भी है, तो बस लिखा तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और देखिए ये बाहर का व्यू है और अल्हम्दुलिल्लाह 5-5 मिनट पे हमारे यहाँ सब्ज़ी के ठेले आ रहे हैं, फ्रूट्स के ठेले आ रहे हैं, और हमने नेक्स्ट वीडियो में भी आपसे यही बात कही थी और शेयर भी किया था। देखिए इनके पास सारी सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, तो सोचा आपके साथ शेयर कर लिया जाए। दूध वाले भी बराबर आ रहे हैं और वो घर घर पूछते हैं कि दूध तो नहीं चाहिए, तो बस यहाँ पर इस चीज़ की कोई कमी नहीं, लेकिन बहुत सी जगह ऐसी है कि जिन लोगों को सब्ज़ियाँ और दूध नहीं मिल पा रहा है, और गांव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सारे काम ख़त्म हो गए हैं और जो हम लोगों ने थोड़े बहुत सूट ख़रीद करके रखे हुए थे तो
लॉकडाउन में सोचा ये भी कर लिया जाए, तो जो बाहर के काम वो तो सारे रुके हुए हैं, तो खाली बैठे रहने से अच्छा है कि अगर आपके हाथों में कुछ हुनर है तो उसको जो है इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को तैयार कर लिया जाए। तो यहाँ पर सूट की कटिंग हो रही है और सूट की सिलाई हो रही है। तकरीबन हम लोगों के घर में 6-7 सूट सिल चुके हैं और अभी थोड़े बहुत और सिलने बाकी हैं। देखिए हम वॉइस ओवर कर रहे हैं, सब्ज़ी वाला बाहर आ गया है, हो सकता है आपको सुनाई दे। तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जानते हैं क्या बिक रहा है, खीरा, कद्दू, बैंगन और लौकी। 10 रुपये किलो, 10 रुपये किलो लौकी, 10 रुपये किलो खीरा, 10 रुपये के 6 खीरे और 10 रुपये किलो लौकी। कभी इतनी हमने सब्ज़ी जो है सस्ती देखी नहीं थी जितना लॉकडाउन में हमारे यहाँ सस्ती हो गई बाराबंकी में। और आलू 20 रुपये किलो और मिर्च, हरी मिर्च 10 रुपये की 250 ग्राम और 25 रुपये का 250 ग्राम के करीब अदरक। मतलब इस वक्त सारी जो सब्ज़ियाँ हैं वो सब सस्ती हैं, 10 रुपये का 250 ग्राम के करीब हरी धनिया भी है। तो बेटा देखिए पबजी खेल रहा है, वो अपना वक्त ऐसे काट रहा है, उसका कोचिंग कॉलेज सब बंद हो रखा है। ये हमारी बहन की बेटी आई है और जो एक लड़के से मिलवाया था परसों आप लोगों को अपने वीडियो में, छोटा सा था तो वो हमारी बहन का बेटा था। तो बस पूरा दिन ऐसे ही मसरूफियत में कट गया और ये शाम का वक्त है, हम किचन में आ गए हैं शाम की चाय तैयार करने के लिए। तो आइए आप सब भी चाय पी लीजिए। अगर मेरी वीडियो में चाय का क्लिप ना हो तो वीडियो अधूरी सी लगती है। तो शाम की चाय और पनीर के पकौड़े, क्योंकि उस दिन हमने सब्ज़ी जब बनाया था तो थोड़े से पकौड़ों के लिए पनीर रोक के रख लिया था। तो गर्मा गर्म पकौड़े और चाय, क्योंकि हमको लगता है कि लॉकडाउन में लोगों को कुछ ज़्यादा ही भूख लग रही है और वो अच्छी अच्छी रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, बाहर तो जा नहीं रहे खाने क्योंकि बाहर कोई चीज़ का ठेला तो लग नहीं रहा है। तो बच्चों की भी रोज़ नई नई फरमाइश होती है, आलू की टिक्की बनाइए, पनीर के पकौड़े बनाइए, मतलब कुछ बनाइए, चाउमीन बनाइए, बर्गर बनाइए। तो देखिए ये हमने बेसन ले लिया है और इसके अंदर हमने डालना है 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हसबे ज़ायका नमक। और अजवाइन मेरे पास नहीं थी तो इसके अंदर आप अजवाइन भी डाल दीजिए, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट पनीर के पकौड़ों के साथ बहुत ही उम्दा जाता है और अच्छा भी लगता है। तो बस इसका हमें एक घोल तैयार कर लेना है, घोल को आपने ना ज़्यादा गाढ़ा करना है और ना ज़्यादा पतला, मीडियम रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि पनीर के पकौड़े आपके थोड़े क्रिस्पी बने तो आप इसके अंदर थोड़ी सी 1 टीस्पून सूजी भी शामिल कर सकते हैं। और पनीर आपको जैसे रखना है, लंबा चौड़ा पतला, आप उस शेप में अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो हमने छोटे छोटे शेप बनाए हैं, एक बाइट सबके मुंह में चली जाए। तो बस पनीर काट लिए हैं, इनका पतला घोल तैयार करके बैटर इसका, और इनमें पनीर को डिप करके हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और आप इसे हरी चटनी या सॉस के साथ और सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे हम चाय से खाने वाले हैं। तो इसे हमें ऐसे तैयार कर लेना है। ये देखिए चाय भी लगभग हमारी 10 मिनट से पक रही थी और इसमें हमने दूध डाल दिया है, तेल भी हमारा होने लगा है, कैमरा यार फोकस नहीं कर रहा है। तो बस आप सब बताइए, आप सब ने कितनी मरतबा पकौड़े, किन किन चीज़ के पकौड़े बना के खाए, कौन कौन सी रेसिपी। तो जिस तरीके से हम आपके साथ शेयर करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आ करके आपने क्या किया, दिन भर आपकी क्या मसरूफियत रही, आप भी अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। आपकी बातें सुनकर हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बस इसे हमें गोल्डन ब्राउन होने तक ही फ्राई करना है। और हम आपके साथ एक बहुत अच्छी सी रेसिपी शेयर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। वो बेसन से बनती है, जैसे कि बहुत सी जगह ऐसी सब्ज़ी नहीं मिल रही है तो बेसन की खंड भी बनती है, वो जमा करके उसमें उसके अंदर मिर्च, नमक, हल्दी और हरी धनिया, हरी मिर्च काट के तेल डाल के पानी का पतला सा बेसन का बैटर बना करके
और वो जमा करके बनता है। उसकी रेसिपी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, आप देखिएगा ज़रूर। तो देखिए चाय हमारी बन गई है और हमने चाय निकाल दिया है। आइए गरम गरम चाय आप सब भी पी लीजिए और पकौड़े भी तकरीबन हमारे रेडी हैं। इतने सब्ज़ी वाले जब से हम वॉइस ओवर कर रहे हैं आप यकीन करिए 5-6 सब्ज़ी वाले हमारे यहाँ आ चुके हैं जो पहले कभी भी नहीं आते थे। तो हमने उनसे पूछा भी कि भैया आप सब तो नए नए शक्ल के, आप सब किधर से आ रहे हैं? तो किसी ने बताया हम कपड़े बेचते थे, किसी ने बताया कि हम कबाड़ बेचते थे। तो उन सब का धंधा जो है बेचारे लोगों का बिल्कुल ही ठप हो गया है। तो वो सब बेचारे क्या करें, सब्ज़ियाँ बाहर जा नहीं पा रही, कुछ आयात निर्यात हो नहीं रहा है, तो जो चीज़ें जहाँ पर हुई वो वहीं पर बिक रही हैं, तो इसीलिए वो सस्ती भी हैं। तो देखिए जो चने का हलवा हमने तैयार किया था उसकी कतलियाँ, तो हमने आपके साथ शेयर भी नहीं किया था, तो सोचा अपने बेटे के साथ इसका रिव्यू ले लिया जाए। और यकीन मानिए ये इतना ज़बरदस्त बना था, आप इस चने के हलवे को बारफात वाले दिन मेरे अंदाज़ में बना के ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाला है। तो सारा हलवा इसी चीटे ने खाया है, ये मीठे का चीटा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं मीठे का चीटा, ये बहुत मीठा खाता है। जो रसगुल्ले भी खाए और उसका रस भी सब पी जाए तो समझ लीजिए उससे ज़्यादा मीठा खोर कौन होगा। तो देखा इसने अपने हाथ के इशारे से आप सबको बताने की कोशिश की कि मेरा मतलब हलवा बहुत ज़बरदस्त था। तो बस बताइए आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।